हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इंदर मौर्य। आज 5 में 50 डेज लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज 24वां दिन है। तो अभी बात करते हैं कि आज के दिन मैंने ट्रेड कहाँ लिया। देखिए फ्रेंड्स, जो आज के दिन मैंने अपना ट्रेड लिया था वो पुलबैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग लिया था। और मैंने जो पुलबैक स्ट्रेटजी के लिए जो मैंने यहाँ पे स्विंग्स मार किया था वो मैंने यहाँ पर ये वाला स्विंग और यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने यहाँ ऊपर ओपन हुआ था ये वाला स्विंग मैंने यहाँ पर मार किया था। पहले मैं आपको ये दोनों स्विंग्स यहाँ पर मैं मार करके दिखा देता हूँ, जिससे मैं आपको एग्जैक्ट वो लेवल दिखा पाऊँ जहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड लिया था। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये स्विंग और इन दोनों स्विंग को यहाँ पर मैंने मार कर लिया। ओके, तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने ट्रेड कहाँ लिया। देखिए, जो मैंने अपना ट्रेड लिया था वो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। एक मिनट, पहले मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। राइट, अब देखिए, जो मैंने अपना ट्रेड लिया था यहाँ पर ये जो 5 मई की अलर्ट कैंडल बना हुआ है, इस अलर्ट कैंडल पर मैंने अपना ट्रेड लिया था। जैसे यहाँ पर इस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वैसे मैंने यहाँ पर बाइंग साइड की तरफ ट्रेड ले लिया और मैंने अपना जो SL था, SL यहाँ पर इस पॉइंट्स पर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था। तो और यहाँ से देखिए, मार्केट पहले मेरे डायरेक्शन में गया, ऊपर की तरफ मूव किया और थोड़ा सा नीचे करेक्शन किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करता हुआ ये, और ये जो यहाँ पर जो ये ओपनिंग पॉइंट्स था उसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ पर मेरे डायरेक्शन में जा ही रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो अपना टारगेट रखा था, मैंने अपना टारगेट यहाँ पर 1:4 रखा था। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मैंने टारगेट कहाँ तक रखा था। ये मैंने अपना जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था वो यहीं से, इस लेवल से। तो यहाँ पे जो मेरा SL था, SL मेरा यहाँ पे ये क्या कहते हैं 13 पॉइंट्स का था। तो 13 का अगर हम 4 टाइम्स करेंगे 39, तो मैंने अपना जो टारगेट रखा था वो 39 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट मैंने अपना टारगेट ये इसी लेवल्स के आसपास मैंने यहाँ पे रखा हुआ था अपना टारगेट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो इस कैंडल का हाई है, मतलब जहाँ पर ओपनिंग था, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट यहाँ तक मूव कर जाएगा, मतलब मुझे यहाँ पर 1:4 का टारगेट आसानी से मिल जाएगा और मैं यहाँ पर अपना जो रिस्क रिवार्ड है मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा। मतलब मैं 1:4 से का ज़्यादा यहाँ पर रिस्क रिवार्ड यहाँ पर कैप्चर करने का ट्राई करूँगा, जैसे कि मैं पीछे के ट्रेड में करता था। पर यहाँ से हमें क्या हुआ, एक शार्प सेलिंग देखने को मिला और यहाँ पर जो मेरा ट्रेलिंग SL यहाँ पे इस लेवल के पास था, ये ट्रेलिंग SL हिट हो गया। पर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया था, तो मतलब यहाँ पे जो ट्रेलिंग SL था इस लेवल के पास था, तो थोड़ा सा यहाँ पे डीप आने के बाद यहाँ पे मैं अपने ट्रेड से एग्जिट हुआ और जिसमें यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग SL हिट हुआ। पर ओवरऑल यहाँ पे मुझे यहाँ पे लॉस ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके भी हुआ। और अभी बात करते हैं यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पर एक पॉइंट्स में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर अपना जो टारगेट था वो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा क्यों ट्राई किया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरा जो आज का व्यू था मार्केट में, वो व्यू ये था कि आज मार्केट क्या रहेगा, मार्केट यहाँ पर बुलिश रह सकता है। क्योंकि यहाँ पर कई बार, यहाँ पर देख रहा हूँ आपको ये सारे लेवल्स दिख रहा हूँ, कई बार मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम से यहाँ पर होल्ड कर रहा है, नीचे आ रहा है, ना तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मार्केट यहाँ तक जा रहा है, फिर से वापस मार्केट नीचे की तरफ गया। आज भी मार्केट यहाँ पर इस लेवल के पास ओपन हुआ, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। तो मेरा यहाँ पर व्यू था कि आज मार्केट क्या होगा, ये सारे जो लेवल्स हैं इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ, कहने का मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा। तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर हमें अच्छा सा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। मेरा यहाँ पर ओवरऑल मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस जो था, कॉन्फिडेंस यहाँ पे मेरा हाई था इस ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा था मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं यहाँ पर एग्जैक्ट सही जगह पर इंटर हुआ। अगर यहाँ से ये लेवल्स ब्रेकआउट हो जाता ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका ब्रेकआउट करके ऊपर जाता और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होता, उसके बाद यहाँ पर हमें अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल जाता। ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:4, 1:5 से भी ज़्यादा का टारगेट मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। पर कोई बात नहीं, यहाँ पर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया और जिसमें यहाँ पर हमारा एसेलेट हो गया। और उसके बाद फिर मैंने जो अपना सेकेंड ट्रेड प्लान किया था, सेकेंड ट्रेड भी मैंने यहाँ पर बाइंग साइड की तरफ ही प्लान किया था। जैसा भी मैंने बताया कि मेरा व्यू जो था वो बुलिश साइड ही था, तो यहाँ पर जो मैंने सेकेंड ट्रेड प्लान किया था वो यहाँ पर मैंने पुलबैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही प्लान किया था। ये जो मैंने स्विंग मार किया था, यही स्विंग मैंने फिर से इन्हीं स्विंग्स को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया और मुझे यहाँ पर ये इस लेवल पर, जैसे यहाँ पर 5 मई की अलर्ट कैंडल मिला, वैसे मैंने यहाँ पर फिर से ट्रेड ले लिया और यहाँ पर अगेन इस ट्रेड में यहाँ पर मेरा तुरंत ही एसेलेट हो गया। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ था वैसे मैंने ट्रेड लिया था और मार्केट थोड़ा सी ऊपर गया था और तुरंत यहाँ पर नीचे की तरफ आके यहाँ पर मेरा SL हिट कर दिया। तो यहाँ पर इस ट्रेड में भी यहाँ पर मेरा एसेलेट हो गया और यहाँ पर जो मेरा SL हुआ है वो 38 पॉइंट्स का एसेलेट हुआ है। तो आज के दिन मैंने यहाँ पर क्या है, दो ट्रेड लिया था और दोनों ट्रेड में यहाँ पर मेरा एसेलेट हुआ है और ओवरऑल जो मुझे आज के दिन लॉस हुआ है वो 9900 का लॉस हुआ है। ऑलमोस्ट आप इसको बोल सकते हैं 10,000 का मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, तो पिछले कई दिनों से जो हमारा ये सेटअप है इसमें कई कंटिन्यू यहाँ पर एसेलेट हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा जो इसमें SL फेज़ है, ये SL फेज़ चालू है और इसमें भी हम क्या बताएं, और मेरे को भी यहाँ पर इसमें काफ़ी दिन हो गए 1:4 का रिस्क रिवार्ड कैप्चर किए,
कल के दिन भी मैंने यहाँ पर जो ये ट्रेड लिया था उसमें मुझे 1:3 का टारगेट ही मिला था, 1:4 का मैं वेट कर रहा था, वहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एक्सेलरेट हुआ था। और आज के दिन भी यहाँ पर मुझे 1:3 का टारगेट मिल रहा था, पर यहाँ पर ही मेरा ट्रेलिंग एक्सेलरेट हुआ। और इसमें जो मैंने पॉइंट्स कैप्चर किया हुआ था वो यहाँ पर मार्केट इस लेवल के पास आया था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स तक का यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉइंट्स कैप्चर किया था। पर यहाँ पर क्योंकि हम लोग अपना रूल्स को फॉलो करते हैं, इधर यहाँ पे या तो हमें ट्रेलिंग एसएल लेना होता है या फिर हमें क्या रहना है 1:4 का टारगेट रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल थोड़ा सा यहाँ पे डीप में था, नीचे की तरफ था, इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा पॉइंट्स का यहाँ पे फायदा नहीं हुआ, ओवरऑल यहाँ पर हमें लॉस ही हुआ है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं क्या यहाँ पर हम लोग को और कोई ट्रेड, जितने सेटअप हमने यहाँ पे सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग को और कोई ट्रेड मिला हुआ है कि नहीं। पहले मैं ये RSI इंडिकेटर यहाँ पर पहले मैं ये फिबोनाची इंडिकेटर यहाँ पर हटा लेता हूँ और इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। देखिए, एक ट्रेड हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, ये 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मिला है। बहुत दिनों बाद हमें 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड मिला हुआ है। यहाँ पर ये 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये ट्रेड बना है। आई थिंक यहाँ पर ये क्या कहते हैं डबल कन्फर्मेशन ट्रेड हो सकता है, ये पुल बैक के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। पहले मैं यहाँ पर इसको स्विंग को यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, ये स्विंग, और यहाँ पर जहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन के लिए मार्केट ऊपर की तरफ गया, नहीं ये हमारा क्या कहते हैं पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे देखिए क्योंकि यहाँ से इस लेवल से मार्केट नीचे तक आया, पर यहाँ पे 38% के लेवल के पास तक नहीं गया था, तो ये पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड तो यहाँ पर नहीं बनता। ये 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड बना और यहाँ पर हम लोग को 1:4 तक का टारगेट यहाँ पर आसानी से मिल गया। काफ़ी दिनों बाद ये हमारा 5 में नो लॉस स्ट्रेटजी का यहाँ पर सेटअप में हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिले हैं, इसके पहले हमें यहाँ पर कंटिन्यू इसमें लॉस ही हो रहे थे और कोई ट्रेड। और यहाँ पर हमें 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड मिले हुए हैं, जिनमें हम लोग हमारा क्या है एसेलेट हुआ है, यहाँ पर एसेलेट हुआ है और एक ट्रेड यहाँ पर हुआ है जो यहाँ पे लास्ट आवर में बनाया था, इस यहाँ पर इस ट्रेड को लेने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं बनता। ओके, तो 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आज हम लोग को सिर्फ एक ही ट्रेड मिला जिसमें एसेलेट हुआ, और 5 में पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दो ट्रेड मिला हुआ और दोनों एसेलेट हुआ है। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 की, यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया। देखिए निफ्टी 50 में क्या हुआ, मार्केट ओपन होते हैं हमें यहाँ पे 5 में प्लस RSI स्ट्रेटजी का ट्रेड मिल गया और यहाँ पर हम लोग का इस ट्रेड में ट्रेलिंग एसेलेट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा SL था, SL हमारा SL 14 पॉइंट्स का था, तो इसका हमें 4 टाइम्स अगर हम यहाँ पे इसका करेंगे तो 56 पॉइंट्स का हम लोग का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए था। ऑलमोस्ट यहाँ पर हम लोग का जो टारगेट होता है बनता है यहाँ पर ये इस लेवल के पास बनता है, ठीक है। पर यहाँ पर हमारा इससे पहले यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया, उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग बना, फिर ये नीचे की तरफ आया और वापस से मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव करके हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे हिट कर दिया। अगर आप यहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं किए होंगे, अभी आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड दिख रहा होगा, हाँ 1:4 मिल गया, पर मैं इसे 1:4 में कंसिडर नहीं करूँगा, ये हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग ऐसे में ही ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, मैं इसको ट्रेलिंग एसएल में ही यहाँ पर इसको कंसीडर करूँगा। और कोई ट्रेड यहाँ पर हमें पहले इसको हटा देता हूँ, उसके बाद और जितने भी ट्रेड मिले हुए वो हमारा यहाँ पर एसएल ट्रेड ही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे की तरफ ही मूव करता हुआ चला आया था। यहाँ पर इस लेवल के पास हमारा ट्रेड बना था जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ है, और यहाँ पर भी हमारा ट्रेड सेटअप बना यहाँ पर जिसमें हमारा एसएल हिट हुआ है, तो दो एसएल हिट हो चुका है। तो हमें ज़्यादा ट्रेड के लिए और ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए। तो पहला ट्रेड में हम लोग का ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और सेकंड ट्रेड में हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर एसएल हिट हुआ है। सेम यही क्या कहते हैं मार्केट आज सेंसेक्स में भी था, सेम मार्केट ने इसी तरीके का यहाँ पे मूवमेंट दिखाया। यहाँ पे हमारा एसएल क्या था, यहाँ पे काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड नहीं बनता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को शायद पुल बैक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड मिला होगा, आप इसको ड्रॉ करके देख लेना। और RSI स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा कंटिन्यू यहाँ पर हम लोग का एसेलेट हुआ है, यहाँ पर भी एसेलेट हुआ, यहाँ पर हमारा एसेलेट हुआ है। ओके, तो अभी हमारे सेटअप का क्या है, लॉसेस पे चल रहा है, तो इसमें ओवर ट्रेडिंग मत करना कोई लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स, अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको मार्केट में बने रहना। सो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट में बने रहिए, मार्केट में बने रहने का मतलब है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे। इवन आपके पास अगर कम कैपिटल है ना, तो आप कम कैपिटल में भी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक आप बने रह सकते हैं, और जितने ज़्यादा दिन तक आप मार्केट में बने रहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। सो अगेन, मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।